हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। जैसन शाम को रास्ते पे घूम ही रहा था कि तब इसको पता चलता कि शहर में एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग का मैच होने वाला। और आप सभी को तो पता है कि जैसन को बॉक्सिंग करना कितना पसंद है, इसीलिए जैसन फटाफट अपना कार उठा कर निकल पड़ता है उसी लोकेशन की तरफ जहाँ पे वो बॉक्सिंग का मैच होगा। जैसन कार लेके आने से पहले उसका दोस्त बीरा को कॉल करके बता दिया वो उसी बॉक्सिंग की मैच पे जो आज रात को होने वाला है उस पर पार्टिसिपेट करना चाहता है। देखते देखते जैसन उसी लोकेशन पे आ चुका है जहाँ पे बॉक्सिंग का मैच होने वाला है। पर जैसन के पता नहीं था कि उसका मैच जिसके साथ हो रहा है वो इस शहर का सबसे बड़ा माफिया मतलब फ्रैंक का आदमी और ये बॉक्सिंग का मैच फ्रैंक ही करवाता है। पर हमारा रोशन किसी से डरता नहीं है, वो तो मस्त फ्रैंक के आदमी को धोने में लगा है। पर जब भी फ्रैंक को पता चला कि एक नया आदमी आके उसकी बंदे को धोने में लगा है, इसीलिए फ्रैंक ने नेक्स्ट मैच शुरू होने से पहले रोशन को अपने केबिन में बुलाया और बोला कि नेक्स्ट मैच रोशन को हारने के लिए। मतलब फ्रैंक यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है, इस गेम में कौन हारता है कौन जीतता है इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने बंदे को जिताना चाहता है। और रोशन नेक्स्ट मैच में हार जाए इसीलिए उसने ये दिखाया कि उसने अगले वाले मैच पे जिसने गेम में जीता था उसको पकड़ के लेके आया, जिसने उसका बात नहीं सुना और नहीं हारा, इसीलिए उसने रोशन के सामने उसको गोली मार के उसको मार डाला। अगर रोशन उसका बात सुन के ये वाला मैच हार जाता है तो फ्रैंक उसको बहुत सारा पैसा देगा। Do you understand what I'm saying? You down in the fourth. पर फ्रैंक को तो पता ही नहीं कि जैसन किसी का बात नहीं सुनता, इसीलिए उसने फ्रैंक का आदमी को मैच में हरा दिया। इसीलिए फ्रैंक ने उसकी आदमी को जैसन के पीछे लगा था उसको मारने के लिए, क्योंकि उसके एरिया में जो उसका बात नहीं सुनता है वो उसको ख़त्म कर देता है। इसीलिए जैसन अपना कार उठा के जल्दी से निकल पड़ता है थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करके। और यहाँ पे जैसन किसी को बार बार कॉल कर रहा है पर कोई उसका कॉल उठाता ही नहीं है। फाइनली उसका कॉल बिरा ने उठा लिया है। You don't know me, but I'm Jason Malone. I'm Paul O'Reilly's cousin, and he... Polly! He's fine! He's still with that girl with the lip. Oh no, she got that fixed, didn't she? Polly said I could contact you if I ever got into trouble, and I'm in trouble. Talk to me, sugar. What's the matter? Shit, Frank! You talking about Frank Belliano? He's following me on Freedmont. He's gonna fucking kill me! उनकी बात को से हमको समझ में आ चुका है कि बीरा ने उसका लोकेशन मांगा है कि वो रोशन अभी ठीक किधर है, इसलिए बीरा जल्दी से उसको हेल्प करने के लिए आ रहा है। पर बात करते करते फ्रैंक के आदमी ने उसको पीछे से ठोक ठोक दिया और यहाँ पे रोशन उल्टा होके फंस चुका है और फ्रैंक आदमी उसको मारने जा रहा था कि तभी बीरा ने खाल लेके उस बंदे को कुचल के चला गया। और तभी वो बीरा जल्दी से निकल के आया रोशन का हेल्प करने के लिए। अरे भाई जल्दी बचा, भाई जल्दी बचा। हाँ अभी आ चुका है, चलो अभी हमको निकाल लेगा। अरे बातचीत बाद में होती रहेगी, जल्दी से पहले हमको निकाल। अब निकल चुका है, अभी हम अभी रोशन मतलब हमें अभी रोशन उसकी कार के अंदर बैठ गया और बीरा उसको बता रहा है कि बीरा अभी कार ड्राइविंग करेगा और रोशन को फायरिंग करना पड़ेगा। जब पीछे से एक बंदा आ रहा है पहले रोशन को उस चलो पहले इस बंदे को पहले निकाल लेते हैं हम। चलो एक बंदा निपट लिया है पर पीछे से और भी कई सारे बंदे ने हमको फॉलो कर रहे हैं। मतलब फ्रैंक यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा है, उसका जो भी आदमी लोग है सब हमको फॉलो कर रहा है हमको मारने के लिए। पर हमको कैसे भी करके यहाँ से बच के निकलना पड़ेगा। चलो एक और भाई दो गार आ गए भाई एक साथ, ऐसे कैसे भाई, जल्दी इन सबको पहले मैं ठीक कर लेता हूँ। अभी वो लड़की जिसने हमको बचाया था वो बोल रहा है कि उसका नाम कैरन है और उसको बीरा ने बचाया है जैसन का हेल्प करने के लिए। पर थोड़ा उसके पर और एक बंद भाई अभी दो का लग गया हमारे पीछे बैठ, चलो इसको भी पहले फिनिश कर लेता हूँ, बाद में फिर उसके साथ प्यार से बात करेंगे। चलो इनको हम पहले फिनिश कर लेते हैं। चलो दो बचा है और
ना सारा गुंडा है भाई, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। What did you do? I want to fight. I wasn't supposed to win. That was you? I didn't mean to knock the bastard out. He just went down. Barricade up ahead. सामने पूरा का पूरा बैरियर खड़ा हो चुका, मतलब उसका गुंडा गुंडा ने सब खड़ा कर रखा था। पर हमारे पास लॉन्चर था इसलिए हमने सबको उड़ा दिया है। पर हमारा कार भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, हमारा कार और ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। से पीछे से हेलीकॉप्टर भी लग चुका है हमको मारने के लिए, शायद उसके अंदर ही बॉस है, उसके अंदर ही फ्रैंक है जो हमारी तरफ अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा है। पर हमारा कार के अंदर भी उतना जान नहीं है जो हम उससे बच के जा पाए, इसलिए हमको इनको फिनिश करना पड़ेगा या हमको कहीं और जगह पे जाके छुपना पड़ेगा। ऊपर से फ्रैंक का आदमी पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब उसने उसका सारा बंदों को लगा दिया है हमारे पीछे हमको ख़त्म करने के लिए। आज के लिए इतना ही, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहाँ पे देखने की बारी है कि जैसन और कैरन ऐसे ज़िंदा बच पाता है कि नहीं।